श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज एक और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर विषय जो आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत जरूरी है, बहुत लाभप्रद है। आखिर हम जानकारी हम सभी लोगों को चाहिए होती है कि किससे संबंधित चीजों में मुझे लाभ होगा, कौन से सेक्टर के शेयर आखिर हमें खरीदना चाहिए, किस सेक्टर के शेयर में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से सेक्टर का शेयर हम खरीदें। ये बड़ा जरूरी विषय होता है और ये अधिकतम सभी लोग जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी क्षेत्र के शेयर खरीद लेते हैं और उसमें हमें तुरंत नुकसान हो जाता है। हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसमें हमें नुकसान हो गया, कई बार किसी कंपनी का शेयर हमने खरीदा और उसमें हमें बड़ा फायदा हो गया। तो ये जो विषय होते हैं कि हमें कौन से कंपनी का वास्तविकता में शेयर खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए, ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। कौन से कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए और कब हमें वो शेयर खरीदना चाहिए, ये दोनों विषय जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन से कंपनी का शेयर खरीदने के लिए ज्योतिष में आपको किन विषयों का ध्यान देना चाहिए। आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए, पूरी कुंडली का निरीक्षण करा करके ये चेक करना चाहिए कि कौन सा ग्रह मेरी कुंडली का सबसे बलिष्ठ ग्रह है, कौन सा ग्रह मेरी कुंडली का सबसे बलिष्ठ ग्रह है, उस ग्रह को जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। किस ग्रह के पास बहुत पावर है, खडबल में कौन सा ग्रह बलिष्ठ है, लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह बलिष्ठ है, पूरे ग्रहों का अच्छे से निरीक्षण करके देखना चाहिए। जो ग्रह सबसे बलिष्ठ हो, मान लिया जाता है कि बृहस्पति आपका सबसे बलिष्ठ है, तो जो चीज़ें बृहस्पति से संबंधित हैं, जो कंपनियाँ बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करती हैं, उन कंपनियों से संबंधित अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपके लिए सदैव लाभप्रद रहता है। मान लिया जाए शनि आपका बलिष्ठ है तो पेट्रोलियम से संबंधित, कोयले से संबंधित, जो कंपनियां लेदर से संबंधित, जो कंपनियां व्यवसाय करती हैं, उन कंपनियों का यदि आप शेयर खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि हमारी कुंडली के अंतर्गत कौन सा प्लैनेट सबसे ताकतवर है, कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में सबसे बली है। सबसे बली ग्रह के अगर हम जो सबसे बली ग्रह है उससे संबंधित शेयर यदि खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद होगा, और अगर हमारा जो सबसे निर्बल ग्रह है उससे संबंधित शेयर खरीदेंगे तो चाहे जितना प्रॉफिट दिख रहा हो निश्चित रूप से वो हमारे लिए नुकसानदायक हुआ। ऐसा हमने बहुत अनुभव में देखा है, बहुत सारी चीज़ों में हमने चेक करके देखा है। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण विषय रखता है, दशाओं का भी बड़ा महत्व होता है। आपके कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है वो आपके दिशा को निर्धारित करती है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह की आपकी कुंडली में परिस्थिति क्या है, वो किस प्रकार का है और उससे संबंधित वस्तु कौन सी है। मान लेते हैं किसी ग्रह की दशा चल रही है चंद्रमा की, जो कि जल तत्व से संबंधित या डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित या मत्स्य इत्यादि का कार्य देखता है, और हमने उस टाइम क्या किया, उन कंपनी के शेयर्स खरीदे जो अग्नि से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से उससे अपोजिट हैं, हमें नुकसान करेगा। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो और जिस ग्रह की प्रत्यंतरदशा चल रही हो, इन तीनों परिस्थितियों का अच्छी तरीके से आकलन करना चाहिए। आकलन करने के बाद फिर हम उस कंपनी से संबंधित अगर शेयर को खरीदते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद होता है। किस दिन हमें सट्टे में पैसा लगाना चाहिए या किस दिन हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए और किस दिन हमें बेचना चाहिए, ये भी दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इन चीज़ों को भी हम जान पाएँ तो हमारे लिए लाभप्रद होगा। अब हमें गोचर का यहाँ पर प्रयोग बड़ा ज़रूरी होता है। जो ज्योतिषीगण मेरे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पॉइंट को बड़े ध्यान से नोट करें। मान लेते हैं कि गोचर में आपका धनेश बुध है और बुध आप जानते हैं कि एक महीने से कम समय में हर महीने परिवर्तित होता है, तो ये ध्यान दें कि जिस वो 20-25 दिन का या 28 दिन का 27 दिन का जो समय बुध के परिवर्तित होने का है, तिथियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा,
तो जब बुध अपने सेकंड हाउस के अंतर्गत आकर के पहुंच जाए या लाभ भाव में जाकर के पहुंच जाए या फिर वो अष्टम भाव में आकर के सेकंड हाउस को दृष्टि दे, इस समय पर यदि शेयर को खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस समय पर खरीदा हुआ शेयर कभी आपको नुकसान देने वाला नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ग्रह का उदय होना, ग्रह का अस्त होना, ग्रह का मार्गी होना और ग्रह का वक्री होना, ये शेयर मार्केट पर डायरेक्ट बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब किस प्रकार, मैं आपको बता दूं, मान लिया जाता है किसी कंपनी का शेयर बहुत नीचे जा रहा है, किसी कंपनी का जो शेयर है वो बहुत नीचे जा रहा है, कारण बस वो जो ग्रह है जो उस कंपनी से संबंधित है, उस वस्तुओं से संबंधित है, वो ग्रह आपकी कुंडली में या मतलब ज्योतिष जगत में अस्त हो गया है, तो उस कंपनी का जो शेयर है वो बहुत नीचे जा रहा है। जैसे ही वो ग्रह उदय होगा, ध्यान रखिएगा, जब वो ग्रह अस्त हो जाए, उस कंपनी का शेयर नीचे जाए, तो आप एक समय को देख करके रखें कि इस समय पर यह ग्रह उदय होने वाला है, उस समय पर उस ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं हैं जब वो उदय होगा तो निश्चित रूप से स्पीड से उस वस्तुओं संबंधित जो शेयर हैं वो ऊपर भागना प्रारंभ कर देंगे। या अगर किसी कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जा रहा है और उस वस्तु से संबंधित जो प्लैनेट है वो अस्त होने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उस कंपनी से संबंधित जो शेयर हैं वो निश्चित रूप से नीचे चले जाएंगे, तो उनसे संबंधित शेयर को हमें नहीं खरीदना चाहिए। कोई ग्रह मार्गी और वक्री अवस्था, किसी कंपनी से संबंधित जो जो वस्तु संबंधित ग्रह है वो मार्गी होकर के चल रहा है, वो एक स्मूथ परिस्थिति में चल रहा है, शेयर उस मार्केट का ऊपर जा रहा है, और वो ग्रह वक्री होने वाला है, तो आप ये मान करके चलिए कि जैसे ही वो ग्रह वक्री होगा उससे संबंधित जो शेयर है वो नीचे आना प्रारंभ हो जाएंगे, तो हमें उससे रिलेटेड शेयर नहीं खरीद करके रखना है। या कोई ग्रह का, किसी कंपनी का शेयर बहुत नीचे जा रहा है और वो ग्रह थोड़े दिन बाद वक्री होने वाला है, तो आप ये मान करके चलिए कि उस कंपनी के शेयर को खरीद लीजिए, उस कंपनी के जो शेयर हैं, उस वस्तु से संबंधित जो शेयर हैं वो निश्चित रूप से ऊपर जाने वाले हैं। तो ये जो शेयर मार्केट का पूरा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो गणित है वो इस प्रकार के ग्रहों से संबंधित होता है कि हम उसका सही अगर इस्तेमाल करें तो जीवन में बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और सही दिशा में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा सिर्फ आप सब तक वीडियो लाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ आप सभी के जीवन में लाभ मैं दे पाऊँ। आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, कई बार आप लोग हमसे बात नहीं कर पाते हैं, खैर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप कॉल कर सकते हैं, समय लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। किसी प्रकार का आप कोई जप अनुष्ठान पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि कराना है तो आप निश्चित रूप से हमारे माध्यम से करा सकते हैं। पूरी वैदिक परंपरा का पालन करते हुए हम लोग कार्य को करने का प्रयास करते हैं। अगर आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट चाहते हैं मुझसे प्राप्त करना, या आप वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, या कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अलग अलग विषय आप तक पहुँचा पाएँ। फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।